स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने एक बड़ी घोषणा की है। मेकाहारा हॉस्पिटल को उत्कृष्ट अस्पताल बनाए जाने की उन्होंने बात कही। दरअसल कोलकाता की घटना से सबक लेकर अस्पताल में बंदूकधारी गार्ड्स के तैनात किए जाने की भी बात उन्होंने कही है। हर तरफ सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लेट लतीफी न हो, इसके लिए अस्पतालों में अलग से व्यवस्था होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि अब बस्तर में घायल जवानों को एयरलिफ्ट करके रायपुर नहीं ले जाना होगा, 3 महीने के अंदर ही वहां अस्पतालों में सभी व्यवस्थाएं होंगी और वहीं पर उनका इलाज हो सकेगा। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए 7 करोड़ रुपए अलग से दिए गए हैं और बस्तर के अस्पतालों में सुविधाओं को बढ़ाकर वहां व्यवस्था और दुरुस्त की जाएगी और इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ा बयान दिया। घटना को देखते हुए तो उसके लिए 12 बंदूकधारी हॉस्पिटल के लिए और 12 बंदूकधारी मेडिकल कॉलेज के लिए सुरक्षा कर्मी नियुक्त करने के साथ साथ उनके एक जो है संचालन करने के लिए उनका हेड भी नियुक्त करने हेतु निर्णय किया गया है। मेडिकल कॉलेज में उन सभी जगहों में सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। इसी तरह से डीकेएस में भी जो गैस पाइपलाइन कोरोना के समय से बन रहा था तो संबंधित ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने का और उसके खिलाफ FIR करने का भी कल निर्णय लिया गया है। और डीकेएस के साथ साथ जो मेकाहारा है उसमें MRI मशीन और CT मशीन जो पुराने हो चुके हैं उसके लिए नए मशीन भी खरीदने के लिए कल प्रस्ताव में कमेटी में पारित किया गया है। युगल तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। युगल, चूंकि मेकाहारा को उत्कृष्ट बनाने के लिए और वहां बस्तर में जो घायल जवान हैं उन्हें वहीं पर सुविधा दी जाएगी और कई तरह की बड़ी घोषणाएं स्वास्थ्य मंत्री द्वारा की गई है, इसे कब तक धरातल पर उतारे जाने की संभावना है? जी देखिए, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के दिशा में जो राज्य सरकार है वो काम कर रही है और इसी को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने एक प्रेस वार्ता की और उसमें जो जानकारियां दी हैं, मेकाहारा और DKS अस्पताल है उसे उत्कृष्ट बनाने के साथ साथ वहाँ सर्व सुविधा युक्त बनाने की बात कही गई है और कोलकाता जैसी घटना की पुनरावृत्ति यहाँ पर ना हो तो इसके लिए 24 जो जवान है, बंदूकधारी जो जवान गार्ड हैं उसकी तैनाती है वहाँ पर की जाएगी। और सबसे अहम बात उन्होंने यही कहा है स्वास्थ्य मंत्री ने कि जो बस्तर अविभाजित छत्तीसगढ़ से पहले ही छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश और जो छत्तीसगढ़ था तो माओवाद का दंश लगातार झेलते रहे हैं और घायल जवान जब मुठभेड़ होते हैं तो दर्जनों ऐसे जो जवान हैं वो घायल हो जाते हैं और उन्हें रेस्क्यू करके यहाँ पर हेलीकॉप्टर की मदद से रायपुर लाया जाता है। उपचार में देरी होती है, कई जवानों की जान भी तक चली जाती है, कई गंभीर अवस्था में रहते हैं तो अब ऐसे जवानों को एयरलिफ्ट करके रायपुर ना लाना पड़े तो इसके लिए उन्होंने 3 महीने की जो मियाद है आशीष वो तय कर दी है और कहा है कि ठीक 3 महीना के बाद वहाँ के सभी जवान के जो घायल जवान हैं उनका बेहतर है उपचार है वो हो सकेगा। वहाँ पर भी अस्पताल की बेहतर सुविधाएं रहेंगी। अस्पताल जो बस्तर क्षेत्र में है वहाँ के लोगों को तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, तो ऐसे जवान जो माओवादियों से लोहा लेते हैं, घायल होते हैं तो उन्हें एयरलिफ्ट करके लाने की अब रायपुर में आवश्यकता नहीं होगी। तो कुल मिलाकर एक बड़ी घोषणा कही जा सकती है और स्वास्थ्य विभाग में जो बेहतर सुधार के लिए जिस तरह से उन्होंने बात की है, दावा किया है, देखना होगा कि DKS के साथ साथ अन्य जो निजी अस्पताल है उस पर भी किस तरह से अंकुश है वो स्वास्थ्य महकमे को लगाएगी। बहुत शुक्रिया युगल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए, आगे डिटेल्स लेंगे आपसे। और रायपुर से बड़ी खबर है कि युवती ने खुद को आग लगा ली और वो भी प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर खुदकुशी की कोशिश की गई। दरअसल मंदिर हसौद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर यह घटना हुई। RPF के जवानों ने युवती को अस्पताल पहुंचाया और 60% से ज्यादा महिला ये युवती झुलस चुकी बताई जा रही है और इसकी हालत काफी गंभीर है। DKS अस्पताल में इसका इलाज चल रहा है और पटना की रहने वाली ये युवती बताई जा रही है जिसने खुद को आग लगा ली। मंदिर हसौद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर यह दुर्घटना हुई जहां एक युवती ने खुद को आग लगा ली। पटना की यह युवती रहने वाली बताई जा रही है। प्लेटफॉर्म पर आत्मदाह आखिर इसने क्यों किया यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। और राजधानी रायपुर में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं
इस खबर को देखकर आप समझिए। दरअसल मंदिर हसौद थाना क्षेत्र के चिचा के एक पेट्रोल पंप पर दो जवान पेट्रोल भरवाने पहुंचे थे। इस दौरान किसी बात को लेकर वहां मौजूद बदमाशों से उनका विवाद हो गया, जिसके बाद बदमाशों ने दो जवानों की बेरहमी से बेदम पिटाई की। आरोप है कि जवानों को लाठी और डंडे से बुरी तरह से पीटा गया, जिसमें जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। राजधानी रायपुर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं चीचा पेट्रोल पंप पर और यहाँ पर दो जवानों को जमकर पीटा गया। किस तरह की घटना घटित हुई, पेट्रोल पंप के लोग हैं, कर्मचारी हैं, उन्हीं से बात करेंगे। किस तरह का ये मारपीट हुआ था? सर, उन लोग शराब वराब पिए थे और गाली गलौज कर रहे थे आपस में, इसलिए। हाँ, तो कितने लोग थे जो यहाँ पर आए मारपीट के? उन लोग करीबन चार से पाँच लोग थे और ड्राइवर को गाली भी दे रहे थे। अच्छा, ये कांच के गाड़ी का कांच को तोड़फोड़ भी किए थे क्या? नहीं, आपस में नहीं पता, अगले बंदे मारे होंगे। अच्छा, हाँ, काफी मारपीट हुई। हाँ, कितने बजे रात की घटना है? करीब सर करीबन 11:30। तो देखिए, इसी पेट्रोल पंप पर मारपीट की घटना है, वो घटित हुई है, और पेट्रोल पंप के और भी जो कर्मचारी हैं उन्हीं से हम बात करते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि पेट्रोल पंप में किसी तरह का सीसीटीवी का फुटेज नहीं है। बताएंगे कि घटना कैसे हुई, क्या कोई जानकारी है आपके पास? जी भैया, रात को 11:30-12 बज चुके थे, उससे हम लोग ड्यूटी में नहीं रहते, दूसरे लोग रहते हैं भैया लोग। मारपीट हुई थी ना जी? जी, कार में थे ना वो लोग, बटालियन वाले लोग, वो लोग आए थे, 4-5 वो लोग थे। फिर जो डलवाए पेट्रोल खुलवा कर, पर हमने खोल दिया, डाल दिया भाई इज्जत। उसके बाद जो बाइक में दो तीन लोग आए, उनको बोल रहा था, तुम इतने रात को कहाँ घूम रहे हो, 12 बजे रात के, ऐसे वैसे करके कुछ लोग को बोल रहे थे। वो लोग हाथ पांव जोड़ के चले गए, बाइक वाले लोग चुपचाप। फिर वो लोग जो चार लोग थे ना कार में बटालियन वाले, वो अपने दोस्त यार में ही लड़ाई झगड़े हो गए थे यहीं पर, ठीक है। फिर बाहर गए वहाँ पर, अब जो भी हुआ वहाँ का पता नहीं। हमारे जवान ही सुरक्षित नहीं है, फिर आम लोगों का और क्या होगा, आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। और अभनपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। अवैध रेत खनन पर कार्रवाई करने पहुंची प्रशासन की टीम खबर दिखाने के बाद हरकत में आई और रेत से भरे हाईवा ने ग्रामीणों को कुचलने की कोशिश की थी। एसडीएम के निर्देश पर मौके पर पहुंचे तहसीलदार, रेत माफिया पर बड़ी प्रशासनिक लापरवाही ये सामने आई। दरअसल कार्रवाई की तैयारी में न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और रेत माफिया पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। हालांकि लापरवाही उस वक्त से सामने आ रही, क्योंकि ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है ये लंबे समय से चल रहा था। हालांकि बाद में तहसीलदार, रेत माफिया पर प्रशासन बड़ी कार्रवाई की अब तैयारी में है और एसडीएम के निर्देश पर मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने हालात को देखते हुए कार्रवाई शुरू की और न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। दरअसल अवैध रूप से रेत खनन का ये कारोबार किसकी शह पर चल रहा है, कौन लोग हैं जिनके इशारे पर ये सब कुछ होता है और इतने खुलेआम तरीके से रेत का खनन करना निश्चित रूप से एक गंभीर ये विषय है। और कोंडा गांव में युवती से गैंगरेप का एक मामला सामने आया। 9 अगस्त को 5 युवकों ने युवती के साथ दुष्कर्म किया था और बदनामी के डर की वजह से पीड़िता और परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। 20 दिन बाद परिजनों ने थाने में इसकी शिकायत की थी। सभी 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। केशकाल थाना क्षेत्र की ये पूरी वारदात बताई जा रही है। और कोरबा में एक दीवार भरभराकर गिर गई। दरअसल इस दीवार के गिरने की वजह से इसके मलबे में दबकर एक बुजुर्ग की मौत हो गई। पानी की निकासी की व्यवस्था ठीक से नहीं होने की वजह से यह हादसा हुआ। सीएसईबी चौकी क्षेत्र के तुलसी नगर बाईपास की यह पूरी घटना बताई जा रही है। कोरबा में हुई ये दुर्घटना जिसमें एक
बुजुर्ग की मौत हो गई और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए उस वक्त जब हादसे के बाद मलबा हटाने का काम शुरू किया गया उस दौरान की तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि पानी की निकासी का उचित प्रबंध यहां पर नहीं था जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। सीएसईबी चौकी क्षेत्र के तुलसी नगर बाईपास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। घर की दीवार भरभरा कर गिर गई और मलबे में दबकर एक बुजुर्ग की मौत हो गई। पानी निकासी की व्यवस्था न होने से यह हादसा हुआ और सीएसईबी चौकी क्षेत्र के तुलसी नगर बाईपास की यह पूरी घटना है। गरियाबंद जिले में भारी बारिश का कहर जारी है। 30 गांवों का ब्लॉक मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। मैनपुर ब्लॉक के राजा पड़ाव के बाघ नाला में बाढ़ आ गई है। जान जोखिम में डालकर ग्रामीण उफनती नदियों को पार कर रहे हैं और ये देखिए किस तरह से बाइक को उठाकर ले जा रहे हैं। और गोरगांव झोलाराव गेदरा बेड़ा लाटापारा गरहाडीह का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है और 25 सालों से ग्रामीण पुल की मांग कर रहे हैं लेकिन पुल नहीं मिला और हालात आपके सामने हैं। और खबर जगदलपुर से जहां 36 से ज्यादा बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। एकलव्य आवासीय विद्यालय के बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए। दरअसल खाना खाने के बाद अचानक इनकी तबीयत बिगड़ गई। सभी को एम्बुलेंस से महारानी अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल ले जाने के बाद इलाज इन्हें दिया जा रहा है जिसमें से कुछ बच्चों को जब ठीक महसूस हुआ तो उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जानकारी ये मिल रही है कि खाना खाने के बाद इनकी तबीयत बिगड़ी थी और फूड पॉइजनिंग से बीमार बच्चों को देखने विधायक किरण सिंह देव भी पहुंचे थे। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल 36 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और किरण सिंह देव जब वहां पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दरअसल महारानी अस्पताल में डॉक्टर से उन्होंने बातचीत की और बच्चों की तबीयत के बारे में चर्चा की और बच्चों का गंभीरता से इलाज करने के निर्देश भी दिए। किरण सिंह देव ने खाने की जांच करने के भी निर्देश दिए हैं। किया है प्राथमिक दृष्टि से मैंने एसी ट्रैवल से भी बात किया, अभी वहां अधीक्षक यहां पे है उनसे भी बात किया मैंने कि यह स्थिति क्यों निर्मित हुई है। तो उनका ये कहना है कि कल खेल दिवस में बच्चे बाहर थे, फिर आने के बाद दिन भर और उसके बाद जो भी है खान पान हुआ उसके बाद थोड़ा सा ये स्थिति निर्मित हुई है। मैंने उनको बोला है एसी ट्रैवल को कि इसकी आप दिखवा लीजिए, जांच करवा लीजिए, खाने के जो पदार्थ हैं उनको भी दिखवा लीजिए, अगर किसी प्रकार की अनियमितता है तो उस पर भी संज्ञान लीजिए, आज शाम तक ये सारा कुछ पता चल जाएगा। और खबर धमतरी से जहां 1.5 साल पहले राइस मिल के मुंशी से लूट का खुलासा हुआ। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि दोनों के पास से लूट की रकम बरामद नहीं हो पाई लेकिन लूट में इस्तेमाल एक बाइक जब्त कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक जनवरी 2023 में आरोपियों ने मिलकर मुंशी पर मिर्च पाउडर फेंक कर रकम लूट ली थी। 5,13,000 की जो लूटपाट हुई थी उस संबंध में 2 आरोपी को थाना अर्जुनी और साइबर सेल की टीम जो है गिरफ्तार की है और उनको जेल भेजे हैं। और कोरबा में पत्नी की हत्या का पर्दाफाश किया आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पत्नी की गला घोटकर हत्या करने का इस पर आरोप है। दरअसल पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने करंट लगने की वजह से मौत होने की एक झूठी कहानी बनाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस पूरे मामले का खुलासा हो गया, राज फाश हो गया। हरदी बाजार पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया। करंट लगकर मौत होने की झूठी कहानी उसने गढ़ी थी। हालांकि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई उसमें दम घुटने की वजह से महिला की मौत होने का कारण बताया गया और ऐसे में आरोपी पति की जो झूठी कहानी है उसका खुलासा हो गया।
और बिलासपुर से बड़ी खबर, स्वाइन फ्लू के 33 साल की महिला को चपेट में लेने के बाद उसकी मौत हो गई। दो और मरीजों की मौत की पुष्टि की जा रही है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग में अब हड़कंप मचा हुआ है। अब तक 5 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। स्वाइन फ्लू के 96 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। अब तक 5 मरीजों की जान ले चुका है ये वायरस। स्वास्थ्य विभाग में लगातार हड़कंप मचा हुआ है। और आपको बता दें कि ये स्वाइन फ्लू जिसने 33 साल की एक महिला की भी जान ली, दो और नए मरीजों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग में इससे हड़कंप मचा हुआ है और अब तक कुल 5 लोगों को इस सीजन में ये अपना शिकार बना चुका है। स्वाइन फ्लू के चलते 96 पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं। और बिलासपुर में डेंगू का कहर भी जारी है। एक 7 साल की बच्ची समेत 5 मरीजों की पहचान हुई और सभी को प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। डेंगू पीड़ितों की संख्या 47 पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने इसका अलर्ट जारी किया है। और खबर पेंड्रा से, जहां जन समस्या निवारण शिविर में विधायक जी बहुत नाराज हो गए। दरअसल अव्यवस्था और गैर जिम्मेदारी को लेकर मरवाही विधायक नाराज हो गए। खुले मंच से अधिकारियों को फटकार लगाई, कहा शिविर में आवेदन लेकर आलमारी में रख लेने से समस्या का समाधान नहीं होगा। मरवाही के धनपुर में जन समस्या निवारण शिविर में पहुंचे थे विधायक प्रणव मरपच्ची। आवेदन लेके और कार्यालय में जाके अलमारी में रखने से थोड़ी समस्या समाधान होगा। और आपका फोन भी बंद रहता है, गुम हो गया। नहीं, ये ठीक बात नहीं है। एक हफ्ते से बंद बता रहे हैं, लोगों का फाइल अटका हुआ है आपके ऑफिस में। एसी साहब घर में बैठे हैं, या तो किसी को चार्ज देके जाओ।